Class 10th, exercise 5.2, question number 2. Choose the correct choice in the following and justify. First part is 30th term of the AP. AP is 10, 7, 4. AP is 10, 7, 4, so on. 30th term. Yani n kitna hamare paas? N hai 30th term, yani 30. Aur AP mein pehla term kya hota hai? 8. To A kitna hai? 10. D find karna hai. D kaise find karte hai? A1, A2. A2 minus A1 karte hai. 7 minus 10. Kitna jayega? Minus 3. D aa gaya. Now find kya karna hai? 30th term ho AP. Bola iska 30th term kya hoga? Yani 30th term is term ka last term hoga. Yani kya find karna hai? AN find karna hai. ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से एक आंसर होगा. तो फाइंड करते हैं फॉर्मूला लगेगा पहले एन का, ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी. ए एन हमें फाइंड करना है, ए कितना है, ए है 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना 30 माइनस वन, डी कितना है माइनस थ्री. 10 प्लस 30 माइनस वन 29 इंटू माइनस थ्री. दिस इंप्लाइज 10 प्लस माइनस माइनस 29 थ्री जा 87. ठीक है, ये हो जाएगा 87 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 77. तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस 77. तो आंसर क्या होगा, सी. क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 11th टर्म ऑफ द एपी माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 2 सो ऑन. तो एपी दे रखा हमें माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 2 सो ऑन सो ऑन. 11th टर्म बोला, 11th टर्म यानी n कितना हो गया इसका 11. a कितना है, a है फर्स्ट टर्म माइनस 3. और d कितना होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सेकंड टर्म क्या है 1 बाई 2, माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 3. ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 3. नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम लेंगे 2 तो 2 आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6. ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 डी, डी आ जाएगा 5.2. एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है. फॉर्मूला क्या लगेगा एन अधिकतम का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी. एन कितना है फाइंड करना है, ए कितना है माइनस 3 प्लस एन कितना है, एन 11 है तो 11 माइनस 1, डी कितना है 5 अपॉन 2. ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस, ये प्लस का साइन है, 11 माइनस 1 होता है 10 इंटू 5 अपॉन 2, 2 5 जा 10 जाएगा माइनस 3 प्लस 5 5 जा 25 माइनस 3 कितना होगा 22. तो ये आ गया ए एन. ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी पार्ट. इसका हो गया बी पार्ट.